जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल ज्यादा बोल गए थे हम, उसका कुछ असर भी पड़ा शरीर पर। बीपी बहुत ऊंचा हुआ और सो भी कम पाए, सूजन भी आ गई इस मुंह में। तो अभी संभल के चलना चाहिए। संभल के चलते तो ये बीमारी ही ना होती। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये हमको लोग सलाह देते थे पहले कि आप यात्रा में खाली बोलिए, गाड़ी पर चलिए, हमने बहुत नृत्य किया था, उसी बोलते रहे बराबर रास्ते में यहां से कोसी तक। तो वो इसलिए वो चैम्बर ही फट गया। हम किसी जमाने में गिरिराज जी पैदल गए, परिक्रमा दिया, पैदल आए पाली पाडर गांव होते हुए। 21 कोस से ज्यादा एक साथ चले। यानी कल हिसाब लगा रहे थे 225 किलोमीटर। और कुछ नहीं हुआ था, उस धोखे में हम रहते थे कि हमारे शरीर में तो कुछ नहीं होना है, चाहे 500 किलोमीटर चल लेंगे। लेकिन पिछले साल ये धोखा मिट गया। शरीर तो सब मिट्टी के ही हैं, संभल के चलना चाहिए। कल भी रात को नींद नहीं आई, बहुत ब्लड प्रेशर चढ़ा। तो हम सोच रहे कि यात्रा में इस बार पैदल चलें और बोलें, ये मुश्किल है, शायद गाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा।
जो कि एक कलंक है हमारी दृष्टि में, गाड़ी पे यात्रा करना। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुब्रजतो हरेरियौ। शौनक जी ने कहा, जो भगवत धामों में पैदल नहीं चलता उसकी टांगें जड़ हैं, यानी उसको जड़ योनि मिलती है। दूसरे स्कंद में शौनक जी ने कहा है, तो जो चरणों का उपयोग करता है परिक्रमा आदि में उसको जड़ योनि नहीं मिलती है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि में कलंक है। लेकिन शरीर की स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि हम बोलते रहें यही बहुत है, भले ही गाड़ी पे बैठ के चले तो कोई बात नहीं है। यद्यपि बोलने के लिए भी मना कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ नहीं हम तो बीच रोक रहे थे, धरनी राम ने कहा बोलते रहिए, ये भी कह रहे थे कि आप मत बोलिए मुरली बोल ली। मुरली में एक दुर्गुण है कि वो हमारे सामने हिचक के बोलती है, डर करके, और कह भी देती है कि औचित्य नहीं है, ऐसे भाषण में कहती है हमारा बोलना। इससे मालूम पड़ता है कि इसको डर लगता है हमारे सामने बोलने में। ये दुर्गुण है, डरना नहीं चाहिए मनुष्य को। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन भीष्म द्रोण पर बाणों का प्रयोग कम करते थे, दिखावटी बाण मारते थे। भगवान कृष्ण बार बार टोकते थे, अरे युद्ध है ठीक से युद्ध कर, लेकिन उनका हाथ ही नहीं चलता था। तब भगवान गुस्से में स्वयं कूद पड़े, तू ही नहीं मारता तो मैं मारूंगा सबको आज। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, क्योंकि हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे, भक्तन काज लाज हिए धर के, पाए पयादे धाऊं, जा जा भीर परी भक्तन पे, ताता होत सहाऊं।
जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी है मेरो। देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हो नथ रथ तेरो। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश होने के बाद भी तेरे और तेरे घोड़ों की सेवा कर रहा हूं। घोड़ों की सेवा में चारा खिलाना, लीद फेंकना, जब जयद्रथ के युद्ध में उस दिन युद्ध किया अर्जुन ने, तो महाभारत में लिखा है जैसे राम ने युद्ध किया था रावण के साथ, वही प्रदर्शन आज अर्जुन ने किया। अठारह कोस की दूरी पर जयद्रथ था। 18 कोस की दूरी तक सेना को मारते मारते काटते काटते अर्जुन को जाना पड़ा था। कमल व्यूह था उस दिन, और द्रोणाचार्य आदि सभी महारथियों को उन्होंने पराजित किया था वहां पहुंचने के लिए। बीच में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अब घोड़ों में दम नहीं है, इनको विश्राम देना है, पानी पिलाना है, कुछ खिलाना भी है। अर्जुन ने कहा, ठीक है जनार्दन, हम व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि इस बीच में शत्रु तो मौका देखता है और घोड़ों को मार डालेगा। तो उन्होंने बाणों का एक पिंजरा बनाया अर्जुन ने, एक क्षण में बाणों का ऐसा पिंजरा बनाया कि उसमें एक तिनका भी नहीं घुस सका है। दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे और पिंजरे को बना करके उन्होंने कहा कि अब आप इनका उपचार कीजिए। हजारों बाण लगे थे उन घोड़ों को निकाले भगवान ने धड़ाधड़ियों, और ऐसी सर्जरी थी कि बस लेप करो घाव ठीक भर गया, लेप करो घाव भर गया, किसी के हाथ कट गया उसको जोड़ दो तुरंत और 10 मिनट में ठीक। ऐसी भारतवर्ष में विद्या थी। तो भगवान ने सब घोड़ों के बाण निकाले और उपचार किया और न्यार खवाया। न्यार माने घोड़ों को जो भोजन होता है। और बोले, अर्जुन पानी प्यास लगी इनको। अर्जुन ने बाण मारा धरती में, बाण गंगा प्रकट भई और पानी पिया घोड़ों ने।
और उसके बाद बोले ठीक है अब बोले हम चल सकते हैं। तो भगवान ने ये से सेवा किया सबके सामने, घोड़ों की सब प्रकार के सेवा किया, देख विचार भक्त हित कारण हाकत हो रथेरो हारे हार जीत अपने के भक्तन के हारे हार भक्त अपने के जीते जीत विचारों सूरदास हो भक्त विरोधी चक्र सुदर्शन जारों। तो भगवान ने जो कहा किया भक्तों के लिए सब कुछ किया उन्होंने। सारथी बनना बहुत नीच काम है क्योंकि सारथी जो बनता है वो नीचे बैठता है पांव में। क्योंकि वहां ऐसा जोर का शब्द होता है युद्ध में, गोले छूट रहे हैं, अस्त्र छूट रहे हैं, शतग्नि तोपे छूट रही हैं, कि वहां तुम्हारे कान में कहा जाए तो सुना नहीं पड़ेगा। चिल्ला के बोलो तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा। सारथी जो बनता है उसको, उससे अगर रथी कहेगा दाहिनी ओर चलो, बाईं ओर चलो, रथ को आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, तो कमांड कैसे देगा, सुनाई नहीं पड़ेगा उसको। तो पांवों की ठोकर मारता है, दाहिनी तरफ ठोकर मारा तो वो समझ जाएगा दाहिनी ओर मुड़ना है, बाएं पार से ठोकर मारा तो बाईं ओर मुड़ना है, घुटनों से आगे धक्का दिया तो रथ आगे बढ़ाना है, पांव मोड़ करके पेट पर मारा तो पीछे लौटना है। तो वो सब नीच कर्म करना पड़ा। देख विचार भक्त हित कारण हाकत हो रथ तेरो, भक्ति के कारण मैं तेरी ठोकर खा रहा हूं, तेरे पांवों में बैठा हूं। भगवान इतने भक्तों के अधीन रहते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी श्लोक आता है कि भक्त जैसा चाहता है वैसा बनना पड़ता है, भगवान को। ये बात तीसरे स्कंध में करदम जी ने स्तुति में कहा है, 3:24/31, जैसे एक वार्ता आती है, एक गो भक्त था, कथा तो बहुत लंबी है थोड़े में कहेंगे, बड़ा सीधा था वो, गोसाई जी को काका जी कहता था,
क्योंकि जितने भी इनके लड़के हैं काका कहते थे, इस कथा को हमारे बाबा भी कहते थे। और इतना सीधा था, गौ गोसाई जी शरीर की क्रिया करने जंगल जा रहे थे, शुरू में आया तो बोले महाराज हमको दीक्षा दो, शरण मिलो। तो गोसाई जी ने कहा जा परे, ने दूर जा, इस समय हम शरीर की क्रिया करने जा रहे हैं। एक छोटी सी कंकड़ी लेकर के फेंका कि हट जा। वो सीधा भक्त था, उसने सोचा ये जा परे तो मंत्र दिया है और एक कंकड़ जो है ठाकुर सेवा है। और वो उस कंकड़ को लेकर के चल पड़ा और जा परे जा परे जा परे जा परे का जाप करने लग गया। उसके सीधेपन से भगवान प्रीति की रीत गोपाल ही जानत, सर्वस देत भुराई ही सो चतुरन सो चतुराई ठानत। भक्त का भोलापन उनको अच्छा लगता है, चतुर चंट से भगवान दूर रहते हैं। प्रतिज्ञा है भगवान की, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चतुर व्यक्ति कपटी जरूर होता है, कौन सी बात कही जाए कौन सी बात नहीं कही जाए, इज्जत चली जाएगी, ये चतुर व्यक्ति सोचता है। और नहीं कहनी है तो छल करेगा, छिद्र करेगा, फिर वो भगवान से दूर हो जाता है। इसीलिए इस कथा को हमारे गुरु महाराज बहुत कहते थे कथाओं में, जा परे की। ऐसा भक्त बनना बड़ा कठिन है। निष्कपट भक्त बनना असंभव है। और पुरुष नुपुंसक वा नारी वा जीव चराचर सर्व वे, भगवान ने कहा है कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे जड़ है चेतन है, वो जो कपट छोड़ के भजन करता है वो मेरा सबसे प्रिय बन जाता है। उसी को तुलसीदास जी ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पुरुष निपुंसक नारी वा जीव चराचर सर्व, और सर्व भाव भज कपट तजी, दोहा 87, मोहि
परम प्रिय सोई, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई। पेड़ पौधा है कोई भी है, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सच्चा सेवक वही है, वही 87 खा सत्य कहो खग तो ही, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। कपट छूटा और प्राण प्रिय बन गया। अस विचार भज मोहे, परिहरि आस भरोस सब। उन भक्तों की कोटि में जा परे भक्त आते हैं, भगवान इतना प्यार करने लग गए श्रीनाथ जी कि वो उसको लड्डू चुरा के ले जाते थे। उसने पत्तल लेना छोड़ दिया, बंटा भोग कहते हैं, इतना मोटा मोटा लड्डू होता है, शयन में रखा जाता है, एक ही लड्डू नहीं खा पाएगा मनुष्य। दो लड्डू रखे जाते थे शयन में, दोनों ले जाते थे श्रीनाथ जी और उसको दे देते थे। और सेवा करता था गायों की, तो भगवान उसके लिए चोरी करते थे, चोरी से लड्डू ले जाते थे। और एक बार मुखिया जी ने कहा कि सूरत के वैष्णव का बुलावा आया है, सूरत से जाके भेटी भेंट लाना है, तुम जा सकते हो? भोला भक्त था, बोले हाँ मैं चला जाऊंगा। इतनी जल्दी कैसे पहुंचोगे? बोले हमारा जापरे है, जापरे ठाकुर जी के लिए कहता था, लोग समझते नहीं थे। बोले कागज ले जाओ फिर, और वहां से भेंट लाओ। वो कागज चिट्ठी लेकर के जापरे के पास पहुंचे। श्रीनाथ जी उनके पास आते थे ठाकुर जी। बोले ये जापरे,
ये जो श्लोक है 3, 24, 31, तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजनानाम अरूपिणा। भगवान का कोई रूप नहीं है, अरूपी हैं, माइक रूप नहीं है, अरूपी माने निराकार नहीं है, अरूपी माने माइक रूप नहीं है। अपाणी पादो जवनो गृहीता श्वेताश्वर उपनिषद में पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण। अपाणी पाद हाथ पांव नहीं है लेकिन जवनों जाता है, गृहीता पकड़ता है, चलता है, फिरता है। पश्यत्य चक्षु उसके नेक नहीं है, नेत्र नहीं है लेकिन देखता है। सशृणोत्य कर्ण कान नहीं है, माइक कान नहीं है लेकिन सबको सुनता है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशुरो मुखम। चिन्मय शरीर है, सब जगह हाथ, सब जगह पांव, विभु हाथ है, विभु पांव, उसके सब अंग विभु हैं। सर्वतः श्रुति मल्लोके, हमारे तुम्हारे कान तो माइक हैं, उसके विभु कान हैं। विभु माने सर्वत, सृष्टि के हर जगह उसके कान हैं, सृष्टि के हर कोने में उसके हाथ हैं, हर कोने में उसके पांव हैं, क्योंकि उसका शरीर विभु है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, 13वें अध्याय में भगवान ने 13वें श्लोक में कहा है। तो ये करदम जी कहते हैं अरूपी है, अरूपी माने माइक रूप नहीं है लेकिन फिर भी उसको वो रूप अच्छा लगता है जो भक्त चाहता है। तान्येव ते भी रूपाणी, वही रूप भगवान को अभिरूप माने प्रसन्न है। रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते, जो स्वजनानाम भक्तों को अच्छा लगता है वही रूप भगवान को प्रिय है। इस जापरे की कथा में लिखता है कि उसकी बाल भाग की सेवा थी तो बालक रूप बना करके ठाकुर जी उसके साथ गए और सूरत पहुंचा दिया। उसी दिन वहां से उसने भेंट दिया, सूरत वालों ने रुपया पैसा जो जो सामान बहुत से भेंट दिया। बोले कैसे जाओगे? बोले ऐसे जैसे आए वैसे चले जाएंगे, जापरे हमारे साथ है, जापरे के साथ चले जाएंगे। सूरत से भेंट लेके चले, जापरे बाहर मिल गए क्योंकि जापरे उनका व्यक्तिगत दर्शन था, सबके लिए नहीं। जापरे बोले भेंट लाओ? बोले हाँ ले आओ। तो चले, चल थोड़ी देर तक चले, फिर वो बोलो अरे बैठ जा हमारी गोद में, तू जा परे थक गए होगो? बोले हाँ थक तो गए हो बहुत ज्यादा। तो गोद में उठाया उसने, चल मथुरा जतिपुरा।
वो ले चल रहा है गोद में, लेकिन थोड़ी देर में मथुरा आ गई। जैसे गिरिराज उठाते समय ग्वारिया लठिया वो लगाते थे, कहे हमने उठाया वो, कान्हा पे भजन न पड़ जाए, देख लो हमने उठा रखे हुए। सब ग्वारिया समझते थे ये गिरिराज हमने उठाया हुए, लेकिन उठाने वाला तो कोई और है। वैसे जापरे मथुरा आ गए और बोले चल भाई मथुरा आ गई, अब गोवर्धन चले, चल अब तू थोड़ी देर पैदल चल ले। फिर पैदल चले 10-5 कदम, फिर जापरे को गोद में ले लियो, तू थक गए होगो जापरे, अब आ गिरिराज जी तक तू गोद में बैठ जा। गोद में बैठ गए, थोड़ी देर में गिरिराज जी आ गया, बोले अरे जापरे हाँ ये जतिपुर आ गए, विश्वनाथ जी के मंदिर आ गए, चल। और वो जापरे गया मुखिया के पास, सब भेंट द्रव्य की सामग्रियों की सब भेंट दिया वो मुखिया जी को। मुखिया जी ने देखा, बोले आज चला, कल यहां से गया, कल ही पहुंच गया, और आज चला, आज ही यहां चला गया, आज ही एक दिन में आ गया, कैसे? बोले अरे जापरे के साथ चले गए बात करते करते। मुखिया जी को क्या पता कि जापरे कौन सी बलाया है, ये वही जापरे है जिसकी प्रशंसा भागवत में की गई है, तान्येवते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी चरोचन्ते स्वजनानाम अरूपिणः। वो अरूपी है, अपाणी पादो जवनो गृहीता, लेकिन जवनों मने चलता है, एक दिन में सूरत क्या कहो तो पहुंच जाए अमेरिका, एक दिन में जाने कहां पहुंचता है वो। गृहीता पकड़ने वाला है, पश्यत्य चक्षु सश्रुणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेदा वेता तमाघूरग्र्यम पुरुषम महांतम। उसका नाम है महापुरुष, हम लोग तो पुरुष हैं, वो महापुरुष है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। प्रकाश रूप है उसका शरीर, अंधकार नहीं है, चिन्मय है, दिव्य है। तो लोगों ने गोसाई जी से कहा कि आज ही चला और आज ही आ गया, ये क्या चक्कर है? तो हंस गए, बुलाया उन्होंने, क्यों भाई तू कैसे किया तेने? अरे जापरे को मैंने उठा लियो, छोटो सो है, और जापरे ने हमें उठा लियो, दो चार कदम वो लगे हो, बाकी तो मैं ले गया वाको। गोसाई जी हंस गए, समझ गए इसने क्या उठाया होगा, ये क्या ले गया होगा, ये तो माया सब जापरे की है। यानी यानी च रोचन्ते स्वजनानाम अपुरूपिणा तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव। ये भगवान के खेल हैं, जहां जहां भीर परी भक्तन पे तहता हो सहाऊं। और भक्तन काज लाज ये धर के पाए पियादे धाऊं। मेरे पांव तो नहीं है, माइक पांव नहीं है, लेकिन दौड़ता हूं मैं,
पाए प्यादे धाऊं, यह पाणी पादो जवनो गृहिता का अर्थ है, सूरदास जी ने किया है। इसको भक्त ही समझ सकते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। हम लोगों में तर्क है, अज्ञश्च अशब्ददानश्च संशयात्मा विनश्यति, 4:42 गीता जी। अश्रद्धा है हम लोगों में, अज्ञ ज्ञान नहीं है कि भगवान का चिन्मय शरीर है, संशय है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए हम लोग विनष्ट हो जाते हैं। अज्ञश्च अशब्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिया। ज्ञान लब्धा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति, 4:40। श्रद्धावान व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान होता है, भगवान की चिन्मयता का ज्ञान होता है, भगवान के चिन्मय शरीर का ज्ञान होता है। सबको नहीं हो सकता। वाल्मीकि ने कहा है राम से अयोध्या कांड में, जब उनके आश्रम पर पहुंचे हैं, मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा है चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारा शरीर तो चिन्मय है, तुम चिन्मय हो। विगत विकार जान अधिकारी, ये संशय आदि विकार हैं, तर्क हैं, ये जब चले जाते हैं तब वो तुम्हारे इस रूप को जान सकता है। राम स्वरूप तुम्हार, ये राम स्वरूप तुम्हार अविगत अकथ अपार, नेति नेति कह विद निगम विद कह। ये सब दोहा हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं संख्या देख रहे हैं। हाँ 126, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हम तो सोचेंगे भगवान का शरीर है कि नहीं है, और जो श्रद्धा वाला वो तुम्हारा स्वरूप है, वचन वाणी से अगोचर नहीं कहा जा सकता। बुद्धि पर, बुद्धि से परे है, बुद्धि समझ नहीं सकती। बुद्धि पर मने बुद्धि से परे है, रामायण को भी हम नहीं समझ सकते। साधारण लोग अर्थ करेंगे बुद्धि पर, बुद्धि से ग्राह्य है, लेकिन बुद्धि पर मने बुद्धि से परे है तुम्हारा स्वरूप, अभिगत जाना नहीं जा सकता, अकथ मने कहा नहीं जा सकता। अपार है, उसका पार नहीं कोई पा सकता।
बोले नेति नेति कहने का मुबद, वेद इसी को नेति नेति कहते हैं। और इसी रूप का, सगुण साकार रूप का वर्णन किया है। कुछ लोग इन सब चौपाइयों का निराकार अर्थ में लगाते हैं, वो गलत है। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, भगवान और उनकी आदि शक्ति जुगल उपासना वाल्मीकि ने बताई है, निराकार उपासना नहीं बताई है। जो नहीं समझ पाया वो रामायण को नहीं समझ पाया, हम जैसे मूर्ख लोग हैं। वो माया कौन सी माया? निज शक्ति योग माया, मोहिनी माया नहीं। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की, 126। जो सृष्टि बनाती है, पालन करती है, कृपा निधान भगवान के दुख को पा करके। और जो सहशीष लक्ष्मण है, अहीश मन शेष नाग महीधर पृथ्वी को धारण किए हैं, लखन सुचराचर धनी सुरकाज धरि नगर नरराज तुम तनु चले दलन खल निश्चर अनी। तुम तो देवताओं के लिए नाश करने असुरों को चले हो। राम से कह रहे हैं, धनुषधारी राम, सगुण साकार राम से कह रहे हैं। रामायण को समझना भी कठिन है। अपाणी पादो जवनो गृहीता का अर्थ किया है उन्होंने। रामायण ही अगर समझ में आ जाए तो भक्ति आ जाए। राम स्वरूप तुम्हार अगम वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नीति 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 निगम वद जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। कौन कहता है भगवान निरी है, निष्क्रिय है, सारे संसार को वही नचा रहा है। भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मैं ही सारे संसार को नचाता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, 18:61। भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जगत पे जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाना नहारा। तुम्हारे सगुण साकार रूप को नहीं कोई जान सकता, निराकार में अर्थ नहीं ले जाना चाहिए। सोई जाने जे देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत उर चंदन। ये भक्तों के चंदन, भक्तों के चंदन हो, भक्तों के हृदय शीतल करने वाले हो। इस सगुण साकार का काम होता है भक्तों को शीतलता देना, कृपा करना। तुम भक्तों के हृदय के चंदन हो। हम जैसे लोग तो रामायण पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, क्या करें, श्रद्धा नहीं है, गड़बड़ सड़बड़ अर्थ कर देते हैं। तुम्हारी कृपा को केवल भक्त जान सकता है। तुम सगुण साकार की कृपा को अज्ञ नहीं जान सकता। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत उर चंदन। अब आया वही चौपाई, चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये तुम्हारा शरीर चिन्मय है। विगत विकार जान अधिकारी, नर्तन धरे वो संत सुर काजा। ये शरीर मनुष्य शरीर दिखाई पड़ रहा है। कहो करस जस प्राकृत राजा, तुम्हारी लीलाओं को देख करके देख देख सुनिचरित तुम्हारे
जड़ मोह बुद्ध होए सुखारे। जड़ बुद्धि हम जैसे लोग हैं जो श्रद्धा नहीं है, संशय है। बुद्धिमान श्रद्धा वाले सुखी होते हैं। तुम जो करो करो सो साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। जैसा लीला करते हो वैसे ही तुमको वेश बनाना पड़ता है। अब भगवान के सगुण साकार रूप को दिव्य बताने के बाद फिर भगवान भक्ति से ग्राह्य हैं। भगवान को कैसे समझोगे? पूछे हो मुई की रहो कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जान हो तह देव कही तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। मैं पूछता हूं तुम कहां नहीं हो, सब जगह हो, यानी तुम्हारा शरीर विभू है। सगुण साकार दिखाई पड़ता है लेकिन विभू है। अज्ञश्च अशब्दानश्च संशयात्मा विनश्यति। हम जैसे लोग अश्रद्धालु हैं, संशय में हैं कि ऐसा कैसे हुआ, भगवान ने छोटे से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, इसलिए हमारा विनाश हो जाएगा, काल खा जाएगा। सुनी सुनी बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मह मुस्काने। फिर उसके बाद बाकी चौपाइयां बहुत बड़ी बड़ी हैं। कहां रहे जहां भक्ति है, भक्तों के क्या लक्षण हैं, ये सारा बताया गया। बोलना तो नहीं चाहते थे, कल की थकावट थी, लेकिन फिर भी बोल गए। जय श्री राधे।